सो हाई एवरीबडी, हैप्पी रक्षाबंधन। सो इट्स राखी स्पेशल ब्लॉग एंड यहाँ की रक्षाबंधन की सेलिब्रेशन हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, तो उसके लिए आई एम गेटिंग रेडी। सो आई थॉट कि जब मैं रेडी होती हूँ तो उसका वीडियो शॉट कर लेती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि अपना फुल मेकअप ब्लॉग डालो। सो टुडे विल स्टार्ट दिस ब्लॉग विद द मेकअप ट्यूटोरियल, तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। तो इट्स अ मेकअप वीडियो ओनली, आपके कहने पे कमेंट्स की वजह से आई एम डूइंग इट। सो मैं भी फेस वॉश करके आती हूँ, देन विल बिगिन। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट माई मेकअप आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ। मेरा आज का प्लान नहीं था इतना सारा मेकअप करने का, बट बिकॉज ऑफ वीडियो मैं ये पूरा फुल मेकअप करने वाली हूँ आज। अदरवाइज मैंने आज बेसिक मेकअप ही करना था। तो एवरेज बताऊँ तो शादी के बाद मैंने ऐसे फुल मेकअप 3 से 4 बार किया होगा बस। सो ये मेरा मेकअप जो है ये बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना को करती हूँ जब फुल करना होता है। सो सबसे पहले आई स्टार्ट विद दिस मॉइस्चराइज़र। करेंटली मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और अच्छे हैं इसके रिजल्ट्स। तो और एक और बात कि मैं प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ कभी कोई, इतना मेरा कोई स्पेसिफिक है नहीं है। तो अभी मैं आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी इनमें से कुछ होंगे जो करंटली यूज़ करने स्टार्ट किए हैं, कुछ मैं कब से कर रही हूँ, और सारे मोस्टली अफोर्डेबल हैं और इन सब के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स होंगे मेबलिन एंड लैक्मे। सो सबसे पहले आई अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर बायोडर्मा का, एज आई सेड। तो आई अप्लाई इट लाइक दिस डॉट डॉट डॉट, फिर इसको पूरा सी। मैं कोई मेकअप प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मुझे अच्छे से आता है। मैं पहले ही एडमिट कर रही हूँ कि मुझे मेकअप नहीं आता है। मैं बस जैसे मॉडलिंग करती हूँ तो शूट्स पे जितना मैंने देखा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप अपना कर लेती हूँ। तो मुझे कोई कमेंट्स में आके ये मत बोलना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये इसके लिए नहीं उसके लिए होता है। मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे जानना है। मुझे जितना आता है उतना मेरे लिए काफ़ी है और मैं यहाँ पर सिखा नहीं रही हूँ। आप लोगों ने बहुत बार बोला है तो मैं बस दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे मेकअप करती हूँ। देन उसके बाद ये क्रायलन का ही मैं करेक्टर लगाती हूँ। मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हैं तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लगाने की। ठीक है, मेरे नेल्स और मेको नेल्स में थोड़ा मेकअप करने में दिक्कत आती है और थोड़ा सा माउथ एरिया भी डार्क है। तो देन उसके बाद आई अप्लाई दिस मेबलिन का फिट मे का फाउंडेशन। तो मैं ऐसे ही साइड पे हाथ पे ले लेती हूँ ये इतना सा, देन थोड़ा सा गीला किया हुआ ये और टॉवल में ऐसे एक्स्ट्रा पानी निकाल के ब्लेंडर, और इसी पे लेके मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ। मेरे प्रोडक्ट्स देख के आपको पता ही लग रहा होगा कि कितने को यूज़ होते हैं। देन इसको ऐसे ब्लेंड, और ये चूड़ा मैं कल जो मार्केट से लेके आई थी आपको मेरे दूसरे ब्लॉग में पता लग जाएगा कब गई थी, जब मैंने राखी थी शॉपिंग की तब। और सुंदर लग रहा है मुझे ये बहुत। हो गया कंप्लीट। और ये वाला फाउंडेशन बहुत हैवी सा भी नहीं लगता और ये बहुत अफोर्डेबल भी था और सही रहता है। मुझे याद नहीं है प्राइजेस, मैं आपको MRP बता देती हूँ सबकी। मुझे नहीं पता मैंने कितने में ख़रीदा था डिस्काउंट में या क्या। इसकी MRP 629 है। तो मैंने लिया कितने में होगा मुझे याद नहीं है। आफ्टर दैट जो कंसीलर मैं लगाती हूँ स्विस ब्यूटी का लगाती हूँ, इसकी MRP मुझे लगता नहीं है इस पर लिखी हुई भी। तो ये नायका वगैरह में आपको दिख जाएगा इजीली स्विस ब्यूटी का कंसीलर। और ये है 02 वाला, इसकी MRP है 229। तो अब मैंने लिया कितने में पता नहीं, आपको पता ही है नायका पर सेल वगैरह भी लग जाती है। तो कंसीलर मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ, मैंने बस खुद पे मेकअप करवा करवा के ऐसे सीखा है। थोड़ा टेढ़ा चला गया,
हाइलाइटिंग भी बोलते हैं ना इसको, पता नहीं भाई मुझे नहीं पता इतना। तो ये छोटा वाला है मेरा कंसीलर के लिए, हाइलाइटिंग बोलो कंसीलिंग बोलो मुझे नहीं पता। तो ये छोटे ब्लेंडर का यही होता है कि ऐसे आइस कैसे यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग वगैरह हो जाती है। देन मैं इसका ये वाला साइड जो है ये इसके साथ आइस पे ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। छोटा ब्लेंडर सही रहता है कंसीलिंग वगैरह के लिए, आइस के पास के एरिया के लिए। ये बहुत छोटा कैमरा में तो बड़ा आ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे पूरा सर्कल बना हुआ था, ये थे 6 थे पता नहीं कितने। कंपनी में इसकी वीडियो पता नहीं इनसाइड का था ब्राउन पता नहीं क्या, अगर मुझे मिलता है इसका तो मैं बता दूंगी लिंक वगैरह पे कमेंट्स में। ओके, इसके बाद मैं लगाती हूँ ये कॉम्पैक्ट, ये है मेबलिन फिटमी का। मोस्टली मेरे प्रोडक्ट्स मेबलिन और लैक्मे के होते हैं और मैं पाउडर वगैरह नहीं लगाती हूँ इसके बाद सेटिंग के लिए कुछ भी, मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाती हूँ। आई नो देयर इज़ डिफरेंस पर मैं ऐसी हूँ। और नेक पे मैं बस ये कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, इसके अलावा नेक पे बेस वगैरह का मैं इतना वो झंझट पालती नहीं हूँ। मतलब जितना मैं अभी मेकअप कर रही हूँ ना मैं इतना भी नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं क्या, मतलब ऐसे करने में मज़ा आता है बट उसके बाद चेहरा लेके किसी के सामने जाने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। मतलब मैं बिना मेकअप के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मेरे चेहरे पे इतना कुछ लगा होता है ना तो मुझे किसी से बात करने में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ मेकअप। और इतना मेकअप मेरे पास शादी से पहले था भी नहीं, शादी के कारण मैंने इतना मेकअप लिया। ओके, देन मैं अभी अप्लाई करूँगी ये लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर और इसका है शेड 17 न्यूड मिथ। और मोस्टली मैं ये यूज़ करती हूँ जब मुझे न्यूड सा लुक देना होता है। मतलब मैं लिक्विड लिपस्टिक्स की इतनी फ़ैन नहीं हूँ पर ये पहली लिपस्टिक होगी लिक्विड जो मुझे अच्छी लगी, सेकंड माय ग्लैम की अच्छी लगी थी। तो ये शेड भी अच्छा है। देन आई विल स्टार्ट विद माई आईज। आईज के लिए ये मेबलिन का काजल और लाइनर दोनों ही है मेरे पास, जो सुपर ब्लैक वाला द कलोसल काजल, इसी को मैं एज अ लाइनर और काजल लगा लूँगी। अभी आई शेडो वगैरह मैं नहीं लगाऊँगी इस वक्त, मुझे बहुत ओवर सा फील होगा क्योंकि मेरा सूट भी थोड़ा हेवी सा है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आई विल पुट दिस एज अ लाइनर एंड काजल। ओके, आई एम वेरी वेरी बैड एट अप्लाइंग लाइनर, मतलब मुझे पूरा अपनी आँखों को खींच दूच के लगाना पड़ता है तो मैं वीडियो ऑफ करके लगाती हूँ। सो लाइनर लग गया, अभी आई एम अप्लाइंग काजल। एक आई पे लगा लिया मैंने, दूसरी आई पे लगा रही हूँ। सो लाइनर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। सो यूजुअली मैं क्या करती हूँ जब मैं रेडी होती हूँ तो ये काजल हो गया एक तो लाइनर या फिर काजल में ऑप्शन होती है और लिपस्टिक और मस्कारा, दैट्स इट। मैं इतना ही रेडी होती हूँ, बेस वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ बट फुल मेकअप में ऐसा बेस बना लेती हूँ। देन आई अप्लाई मस्कारा। मस्कारा मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है, मस्कारा इज माई फेवरेट पार्ट। और मैं लगाती हूँ मेबलिन का कोलोसल काजल। अच्छा, इसका MRP मैंने आपको बताया नहीं, पता नहीं भाई कहाँ लिखा है, नहीं लिखा हुआ इसका MRP। और इसका MRP है ओके, सो मुझे इसकी MRP तो नहीं मिली है बट ये बहुत इजीली होता है अवेलेबल हर जगह पे ही, ऑफलाइन ऑनलाइन ये बहुत कॉमन है, फेमस है। सो ये नहीं है इतना, आपको पता ही होगा, सबको ही बताओगे इसका।
मस्कारा अच्छा लग जाए तो एकदम मेकअप अच्छा लगने लग जाता है। तो एज आई वाज सेइंग कि मस्कारा अच्छा लग जाए तो मेकअप अच्छा होता है, और अगर फॉल हो जाए तो भाई साहब कोई नहीं, अभी इसको करते हैं सेट, पहले पूरा अच्छे से लगा लेते हैं। मस्कारा ना कैमरा में अच्छे से नहीं आता, पर जब रियल में देखो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सो अभी इसको साफ करने के लिए बस मैं एक ईयरबड लूँगी। और उसको ऐसे ऐसे कर लूँगी, बस हो जाएगा ये ऐसे ही साफ। हो गया, मर्ज हो गया, ऐसे में दिख भी नहीं रहा। ठीक है, लाए माई ग्लैम का पाउडर ब्लश, ये देखिए। ओके, देन ये एल्यूर का ब्रश। तो मैं कुछ भी हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेकअप आता नहीं है तो फिर इतने महंगे प्रोडक्ट्स का करना क्या है, और दूसरा बंदा इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतना सारा मेकअप जब किसी काम का ना हो। ये ब्लशर बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसका शेड है, मैं बोल रही हूँ लव। ओके, सो उसके बाद आई पुट दिस बिंदी, एज आज इंडियन वेयर पहना हुआ है तो बिंदी इज मस्ट। टेढ़ी लग गई, उसको शीशे में देख के लगाती हूँ, बेटर लगेगी। और नेल्स की वजह से बिंदी लगाना इज़ अ टास्क। उप्स, फिर मैं क्या करती हूँ, नेल्स में ही उठा लेती हूँ इसको, और फिंगर्स टच भी नहीं होते हैं, ऐसे ही लगा लेती हूँ। या कूल डन। और एयर रिंग्स, मेरे मम्मा ने ना मुझे शादी के टाइम जब मैंने कराना था तो ये वाले एयर रिंग्स लिए थे, सारे कलर्स में है ये, मोस्टली सारे सूटों के साथ जाते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, ऑरेंज भी है, पर एक ऑरेंज का नहीं मिल रहा, दोनों एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे ये पहनना पड़ रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ऑरेंज मिल नहीं रहा। यही है मेरा मेकअप, ऑलमोस्ट मैंने प्रोडक्ट्स बता ही दिए हैं, मेबेलिन और लैक्मे ही है ज़्यादा, लैक्मे और मेबेलिन के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं, तो यही मेरा मेकअप प्रोसेस है, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इतना ही है तो मैंने बता दिया। दोबारा एक दो बार फिर से कर दूँगी, डिफरेंट डिफरेंट जो लुक्स करती हूँ मैं वो दिखा दूँगी, इतना कुछ खास है नहीं, आई नो। सो बस आई एम रेडी। सो अभी मैं जाऊँगी अपने उधर घर, तो हम क्या करते हैं, हम नानी के घर ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों मासियाँ आ जाती हैं, मामा मम्मी तो वहीं होते हैं, हम लोग वहाँ चले जाते हैं, तो हम सारे जाने इकट्ठे होकर वहाँ पे एक ही जगह पे राखी बांधते हैं सारे एक दूसरे को। तो अभी फर्स्ट राखी है मेरी, तो शिवम पहली बार मेरे साथ जाएगा और वहाँ का सारा देखेगा, तो अब मैं मिलती हूँ आपको वहाँ जाके, और मैं आपको अपना सूट भी दिखा देती हूँ। सो ये है मेरा सूट, सो बेसिकली मैंने इसको ऐसे गरारा स्टाइल में सिलवाया हुआ है, ऐसे करके पूरा हेवी है, और यहाँ से ऐसे है, और दुपट्टा विद इट। सो बेसिकली ये जो है एक ब्लॉक प्रिंटिंग वाला गरारा सूट है, मतलब कि मैंने अनस्टिच लिया था, खुद सिलवाया है, गरारा वगैरह खुद सिलवाया था, ये नॉर्मल अनस्टिच सूट। तो ये वन ऑफ द सूट्स है जो मैंने शादी के टाइम परचेज किए थे यहाँ आने से पहले। सो दिस इज़ माई लुक, सब कुछ जाना है, अब राखी सेलिब्रेट करती है, लेट्स गो, आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ।